मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस को डूबती नैया बताया है। कांग्रेस के बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी पर प्रलोभन देने का आरोप हास्यास्पद है। कांग्रेस को कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। ये बड़ा बयान सीएम साय की ओर से दिया गया है, क्या कुछ और उन्होंने कहा सुनिए आप भी। अब ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आज कांग्रेस पार्टी डूबती नैया हो गई है, सब बड़े बड़े लोग कांग्रेस को छोड़कर अपना ठिकाना खोज रहे हैं और ऐसे समय में ये उनका मतलब वक्तव्य बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। ज्यादा जानकारी के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही थी, दीपक बैच को भी हमने सुना था कि वो कई तरह के संगीन आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे कि प्रलोभन दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा और हमारे नेताओं को तोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं। इसका जवाब सीएम साय ने बखूबी तरीके से दिया है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बयानबाजी हो रही है कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का भाजपा में प्रवेश को लेकर। पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता जो है भाजपा में प्रवेश कर रहे थे, ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं का लगातार बयान आ रहा था कि भाजपा में प्रवेश होने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है, उन्हें फोन कॉल किया जा रहा है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। इस तरीके से बयान जो है पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भी दिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस तरीके से किसी तरीके से प्रलोभन नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर डूबती नहीं है और जो भाजपा की रीति नीति समझ रहे हैं वो यहाँ पे स्वयं खुद से ही आ रहे हैं। किस तरीके से उनसे संपर्क नहीं किया गया, साफ शब्दों में कहा गया है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में पार्टी दल बदल की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। कई बड़े नेता जो है प्रवेश करते हैं, लेकिन भाजपा जिस तरीके से यहाँ पे बहुमत के साथ सरकार बनाई है, कई कांग्रेस के बड़े नेता लगातार आ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि और भी कई संगठन के लोग भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले। जी वाकई आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एक इकट्ठा होंगे और लगता है रुख दूसरी पार्टियों की तरफ करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आकाश। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बड़ा बयान आया, विधानसभा में हार के लोकसभा के लिए सीख हमें मिली है, ओवर कॉन्फिडेंस में हम हारे हैं विधानसभा चुनाव। कुछ लोग ये मानकर चल रहे थे कि सरकार आ रही है, इन गलतियों से सबक ले चुके हैं, बहुत जल्दी नामों की घोषणा होगी, सीधे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, प्रत्याशियों के नाम भेजे जा चुके हैं। ये बड़ी बातें पूर्व मंत्री शिव डहरिया द्वारा कही गई है, सुनिए। कमी ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा कि हमारी तो सरकार बन रही है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ था पूरे प्रदेश में, सारे किसान खुश थे, नौजवान खुश थे, युवा महिलाएं SC ST सभी वर्गों के लिए जो काम हुआ था निश्चित रूप से उससे कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता उत्साहित थे और हो सकता है ज्यादा उत्साह भी कारण हो सकता है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें पार्टीगत चर्चा हुई है तो उसमें अब जो पिछली समय में जो कुछ कमियां रह गई थी उन कमियों को हम आने वाले समय में दूर करेंगे। रक्षा